आज हम बनाने जा रहे हैं भरवां सब्जी का मसाला। इसे किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, जैसे करेला, बैंगन, भिंडी, टिंडा, शिमला मिर्च आदि। तो उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अमचूर पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, हमने देगी मिर्च ली है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। ये आधा किलो सब्जी के लिए ये मसाला है, उसमें आप आराम से भर सकते हैं। अगर आप ज्यादा सब्जी बना रहे हैं तो ये मसालों की क्वांटिटी उतने ही गुना उसके बराबर कर देना। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें ये सब मसाले मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा भरवां सब्जी मसाला तैयार है। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो एक एयरटाइट जार में किसी सूखी जगह पे स्टोर करें, और जब जीज करे तो आप इसे बना सकते हैं। इस मसाले को जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस मसाले से सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।